देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। जमीनी विवाद ने पकड़ा तूल, आग में झोंक दिया दो घरों को। इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास। मामला जलालगढ़ थाना का है, जहां इब्राहिम और उसके भाई के घर को गांव के ही मुख्तार और उनके साथियों ने आग के हवाले कर दिया। मामला 2 साल पुराना जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिसे लेकर मारपीट हुआ। इस हमले में महिला समेत परिवार के लोगों को धारदार हथियार से पीटा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते 2 साल से जमीन के विवाद को लेकर इब्राहिम और मुख्तार के बीच झगड़ा चला आ रहा था। इब्राहिम का कहना है कि पंच ने यह फैसला सुना दिया था कि इस जमीन पर इब्राहिम का हक है, फिर भी वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुख्तार इस जमीन पर अपना काम शुरू कर दिया था, परिवार वालों के मना करने पर नहीं माने और इब्राहिम के आने का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम को जब इस बात की खबर मिली तो वो अपने घर जाने से डरने लगे, क्योंकि उनके घर वालों को इब्राहिम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इब्राहिम को रात खबर मिली कि उसके घर में आग लगा दी गई है। इस आग लगी की घटना के बारे में बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि मुख्तार और उनके सहयोगी जब इब्राहिम के इंतजार करते हुए थक गए, तब जाकर उनके घर को आग के हवाले झोंक दिया। तकरीबन 3 लाख की संपत्ति का नुकसान बता रहे हैं। इस आगलगी में 2 घर का नुकसान हुआ है, एक तो इब्राहिम और उनके भाई का घर है, जबकि दूसरा उनके ही परिवार के लोगों का घर है। इसके अलावा घटना के संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों पर हमले भी किए गए हैं, धारदार हथियार से घर की महिलाओं को भी मारा गया है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम यहाँ पूर्णिया में मजदूरी कर रहे थे, यहाँ से हम गए तो वहाँ देखे तो वो टट्टी लगा रहा था। हमारा परिवार गया रोकने के लिए, हम भी गए कि पहले इंसाफ कर लो तो टट्टी लगाना, तो चौकीदार भी कहा कि हाँ इंसाफ करके टट्टी लगाना। चौकीदार बोल के जैसे किस चीज़ का इंसाफ करना है? जमीन का इंसाफ। अच्छा, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है क्या मामला? हाँ, कोर्ट में चल रहा है। पंचायत घर से हमको ऑर्डर मिल गया, आप अपना जमीन पे हावी हो जाइए। और उसके बाद जो है चौकीदार बोल के गया, हम भी अपना इधर आए तो वो लोग फिर 30-40 आदमी पर्दा ले करके लठ्ठी ले करके आया। हम पर्दा को रोके, हमारे परिवार किया, फिर हम वहाँ से अपना एक लेडीज हमको कहा कि भागो यहाँ से, आप नहीं बचोगे। हम भागे तो हम जंगल में चले गए, हमारे पीछे बहुत आदमी गया। फिर हम वहाँ जब दूर चले गए, हमारे पीछे नहीं गया, हमारे भाई के पीछे भागा, हमारा भाई दूसरे तरफ भाग गया। फिर शाम तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमको हम भूल किए कि हम जाएंगे, 9 बजे तक हमको नहीं पहुँच पाए। तो बुलाओ उसको, कहाँ उसको मारेंगे, हम डर के मारे नहीं गए। हम जाके सरपंच के घर में सो गए और फिर रात में हमारे घर में आग लगा दिया गया। हमारा घर भी जल गया, अम्मी का भी घर जल गया और पड़ोस का भी घर जल गया। कौन लोग हैं जो ऐसा किए हैं? ये जलाने वाला मुख्तार है, उसका लड़का संजर है और पप्पू है, उसका दामाद घर जमाई और उसका साला है, हसाला रिश्तेदार है। और कब से जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन का विवाद चल रहा है 2-3 साल हो गया। पंचायत घर में जो किए थे, पंचायत वाला फैसला दे दिया है, आप अपना जमीन पे हावी होइए। मगर ये थाना इस मामले में क्या कर रहा है? थाना को दे रहे हैं। शाहनवाज पहले बड़ा बहू था, वो कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर फैसला, तुम चाहे जमीन बदला दे दो चाहे खाली कर दो। शाहनवाज को यहाँ से दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया, दूसरा बड़ा बहू आया, वो एक रोज हम ही को उल्टा कहा। अभी थाना क्या कर रहा है इस मामले? अभी थाना जा हम जा बीच में नहीं गए, अभी जब जा रहे हैं तो हमको उल्टा ही हम ही को धमका रहा, बोला कि तुम वहाँ कर दो, तुम ही कर रहे हो। हम कह रहे आप कागजात देखिए हमारा। अच्छा, अभी आप लोग किसके पास आए हैं आवेदन लेकर? SP साहब के पास आए हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हमारा ये है कि इस जमीन का फैसला किया जाए और आग का जो ये हुआ है, हमारा जो नुकसान इतना हुआ है। परेशानी ये है कि वो मुख्तार जो है मेरा टट्टी लगा दिए है, तो हम कहते हैं कि मेरा शहर घर में नहीं है, धान कटने के लिए पंजाब जा, हम गरीब हैं, बाल बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा। हमारे साथ में 6-7 बच्चा 8 बच्चा है, छोटा सा हमारा सौर पंजाब गया है धान कटने के लिए। 5 रोज के अंदर में हिसाब होगा, घर आएगा तो पर्दा तुम लगाएगा हिसाब के साथ, मगर वो नहीं मानता है। ईदगाह वाला जो है वो घुमरवा वाला लट्ठी बना बना के। अच्छा, कितने लोग आए थे रात में जब मारपीट हुआ? तो 50 आदमी आ करके लट्ठी ले करके मेरा द्वार में मेरा टीन उतार करके घर से लूट करके ले करके अपना आंगन चले गया।
हम लोग का अंगना वगैरह बंदी कर दिया, हम लोग कहीं जाने नहीं पाए, क्या करेंगे, हमको कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा गोतिया को देवर को बोलता है कि उसको लाश गिराएंगे, अभी निकालो उसको, हम लाश लेंगे। क्या नाम है आपका? हमको नाम है सबीना खातून, मेरा देवर है साहिद। अच्छा। मेरा देवर है इब्राहिम। अच्छा, जो लोग आप लोगों के साथ मारपीट किया है वो लोग क्या रिश्तेदार है? वो रिश्तेदार नहीं है, माल समाज में रहता समाज है, समाज है वो हमारा। अच्छा। कोई कहाँ घर है आप लोगों का? हमको रहरियाम घर है, मेरा ससुरा का अल्लाह भाई है। बताइए। हम रास्तनी गेल हन कि टाटी अखनी नहीं लगाओ, फैसला है ते करे तब लगई हो, केस चले छी रखनी टाटी नहीं लगाओ, फैसला करे लगई हो। वो सब मिली गाबी लगावन भिरी गली चौकिया आयलो छी तखनी, चौकिया कर की के जे करवा करो हम अखनी जाइ छी, वो चौकिया के बात हम भिरी गली लगावन, हमर सुनी के बात नहीं राखे छा वो। अच्छा, वो लोग कौन है जो आके टट्टी वगैरह लगा रहे थे? टट्टी लगा हुआ जी कयू, हाँ, सोही, हाँ, पप्पू असलम। कहाँ घर है लोग का? ईदगाह पर है सोहिल का घर। ईदगाह कौन से थाना में? जलालगढ़ थाना। गांव कौन सा है? रहरिया से भागी ईदगाह गया। अच्छा, ठीक है। बताइए फिर रात में क्या हुआ, आग कैसे लगी? रात में ये हुआ है कि दिन में हम हमारे पति को मारने लगा सब, तो हमारा पति भाग के चले गया, बाद भी दौड़ गया सभी हसेरी लेके। हमारा पति भाग गया, वो जो भागा तो आया नहीं, यहाँ सबको लट्ठी लेके ठहरा रहा था कि आज आएगा तो हम लाश उसको गिरा देंगे, लाश नहीं गिरा पाएंगे तो रात में तुम लोग को जरा के मारे के फेंके। अच्छा, उस वक्त जब आग लगा तो घर पे और भी कोई लोग थे? कोई लोग नहीं, कोई लोग नहीं था, खाली घर में आग लगाया वो लोग। हाथ में असलम जो है ना, वही कत्ता ने लेकर सर पे मार रहा था, कत्ता सर पे नहीं लगा, मेरा हाथ पे लग गया। हाथ पे लगा? कब मारा है ये? ये मारा है कल 4 बजे शाम में, झगड़ा के बाद आग लगाया है घर पे। हाँ, रात 12 बजे रात में। अच्छा, क्या क्या चीज जला है घर में? घर में मेरा बहुत चीज है जला था, चावल, जितना फर्नीचर वगैरह था, बिस्तर उस्तर सब जल गया। कितना नुकसान हुआ होगा करीब? वो रखो कि दिया रहेला खोकरो नुकसान लग गई। कितना लगभग कितना का सामान उमान जला होगा, कितना का नुकसान हुआ होगा? 3 लाख टका का सामान जल गई।